कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में भी आपको यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन्हें लोएस्ट टर्म में लिखना है, राइट। आपको जब भी आंसर देना होता है आप हमेशा लोएस्ट टर्म में देते हैं। लोएस्ट टर्म मतलब उसके आगे आप नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। 4 ones are 4, 4 fives are 20। क्योंकि 4 को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 4 जो है न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड 8 में है आप लोग। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर जब अकेला लिखा जाता है तो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। डिनोमिनेटर का नंबर कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, अपॉन में करके लिखा जाता है वो नंबर, राइट। और अपॉन में तभी लिखा जाएगा जब उसके पास न्यूमरेटर होगा, कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट 1 तो होगा। और अगर वो नंबर अकेला लिखा हुआ है दैट मीन्स द नंबर इज इन द न्यूमरेटर एंड उसका डिनोमिनेटर, हाँ आप अपने आप 1 लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसी कोई भी बात नहीं है। जो भी नंबर आपको अकेला दिया हुआ है वो न्यूमरेटर में है। अगर आपको फिर भी अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो नंबर न्यूमरेटर में है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं सॉल्व करके, 3 ones are 3 एंड 5 ones are 5। नेक्स्ट 5 ones are 5, 5 sixes are 13, 7 ones are 7, 7 twos are 14। अब न्यूमरेटर 1 है तो कुछ कैंसिल होने का सवाल ही नहीं उठता, तो 1 ones are 1, दोनों में से एक के पास माइनस है माइनस साइन दीजिए, एंड 6 twos are 12। देखिए अब यहाँ पर 2 माइनस के साइन है, राइट। 2 मीन्स इवन, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, फिर आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आता है, राइट। तो ये 2 साइन है, या तो आप इन्हें यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, राइट। और कैंसिल करने का तरीका होता है, ये माइनस लगा होता है ना, उसको इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ी लाइन खींच के उसको कैंसिल किया करें। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कैंसिल करते हैं जो कि प्लस नजर आता है, और फिर आप लोग माइनस और प्लस में मिस्टेक्स करते हो, राइट। तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे, 3 ones are 3, 3 threes are 9, 8 ones are 8, 8 twos are 16। अब डिनोमिनेटर 1 हो गए, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 थे या डिनोमिनेटर 1 हो गए, यहाँ अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 twos are 6। डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, 1 ones are 1, बट आप डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, हाँ न्यूमरेटर में 1 लिखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर भी अगर हम सबसे पहले नेगेटिव साइंस की बात करें तो 2 नेगेटिव साइंस है, 2 मीन्स इवन, और अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हों तो वो मल्टीप्लिकेशन में आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल कर दें, 5 fours are 20, 5 fives are 25। अब ये एक बार और कैंसिल हो सकता है, कैसे, 5 ones are 5, 5 twos are 10, ठीक है, 2 ones are 2, 2 eights are 16, 4 ones are 4, 4 twos are 8। तो यहाँ कितना आंसर आया, देखिए यहाँ 1 1 1 डिनोमिनेटर में 1 है एंड 2 ones are 2। कैंसिल करते हैं क्योंकि 2 नेगेटिव साइंस है यहाँ पर, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 5 sevens are 35, 5 nines are 45। 2 प्राइम नंबर है, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 fours are 28 एंड 3 nines are 27। तो अब आपने देखा कि हमने किस तरीके से इनको सिंप्लीफाई किया है। कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां एक से ज़्यादा बार आपको कैंसिल करने की या डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी है। नेगेटिव साइंस का खास ख्याल रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ता है नेगेटिव साइंस का, राइट। तो नेगेटिव साइन 2 के पेयर में कैंसिल होते हैं, पेयर में कैंसिल होते हैं, राइट। 2 नेगेटिव साइन है, कैंसिल कर दीजिए, 3 है, 2 साइन कैंसिल हो जाएंगे और 1 साइन आपका रह जाएगा। इन शॉर्ट नेगेटिव साइंस को काउंट कर लीजिए, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है तो आपके आंसर में कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ 2 जगह हमने देखा कि 1 and 2, 2 मीन्स इवन, इवन है, आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, 1 and 2, 2 है, 2 मीन्स इवन,
इवन है तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। यहाँ पर भी टू टाइम्स है नेगेटिव साइन, इवन इवन है तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि चारों में से सिर्फ एक के पास नेगेटिव साइन है, वन, वन मीन्स ऑड, ऑड है तो आंसर में नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने दे दिया है। तो आपको मल्टीप्लीकेशन डिविजन करना आता है, सिर्फ साइंस का ख्याल रखें।